subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan English Grammar Lessons, Figures of Speech. अंग्रेजी सनते आज हम इसे पढ़े, इसमें इन्वर्जन, हाइपरबोल, रिपीटिशन, अपोस्ट्रोफ, क्लाइमेक्स, टॉटोलॉजी, मेटोनॉमी और आयरनी, इनका आज हम मुताला करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपका हमारा वीडियो पसंद आता होगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहला है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी सनत मुबालगा। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट और इट इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। यानी जिस स्टेटमेंट में बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरबोल यानी सनत मुबालगा कहते हैं। दिस फिगर कंसिस्ट इन रिप्रेजेंटिंग थिंग्स एज मच ग्रेटर ऑफ स्मॉलर देन दे रियली आर विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट देन अ प्लेन स्टेटमेंट कैन। यानी इसमें क्या हुआ, ये फिगर ऑफ स्पीच क्या करती है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कोई चीज़ को पेश करती है और वही इसकी खासियत है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। अब ये जो है द ट्विंस, ये 10th स्टैंडर्ड का जो पोएम है उसमें से लिया गया है। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। यानी मेरे भाई का नाम जो मुझे रखा जाना था वो जो मेरा नाम जो रखा जाना था वो मेरे भाई को मिल गया और मेरे भाई का नाम मुझे हो गया। अब ये ऐसा हो नहीं सकता, यानी बड़ा चढ़ा कर बोला गया। And I always got getting flogged for John turn out a fool। और हमेशा मुझे मार खानी पड़ती जब जॉन है तो कोई गलती करता। Quoth Sir Ralph it will be lighter soon। Quoth Sir Ralph the next who comes to the rock। अब यहाँ पर ये सर राल्फ रोवर का जो एक एग्जाम्पल यहाँ यूज़ किया गया है, ये 12th स्टैंडर्ड से लिया गया है। अपोस्ट्रोफ अलामत इजाफत। अपोस्ट्रोफ इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये अलामत इजाफत है, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन है, यानी तजसीम का एक अलग अमल है। इट इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू अ पर्सन एब्सेंट, टू एन इनएनिमेट थिंग और सेम अपोस्ट्रोफ आइडियाज एज इट इफ इट वेर अ लिविंग पर्सन। यानी एक ऐसा इनएनिमेट थिंग्स को या डेड लोगों को यहाँ पर एड्रेस किया जाता है, इसे अपोस्ट्रोफ कहते हैं। प्लीज़ ओपन अप माई डियर लॉर्ड, प्लीज़ ओपन अप माई डियर लॉर्ड। अब यहाँ पर क्या है, खुदा जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी उसे आप याद कर रहे हैं, मेरी आंखें खोल दिए, खोलने के लिए कह रहे हैं। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन और ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच के प्रॉग। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो ओ क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनसे गुजारिश की जा रही है। रिपीटिशन सनत तकरारे लफ्जी, यानी अल्फाज को बार बार दोहराकर जब इस्तेमाल किया जाता है उसे रिपीटिशन कहते हैं। रिपीटिशन इज़ ऑफन यूज इन पोएट्री और सॉन्ग एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट रिदम एंड ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया। रिपीटिशन इज़ ऑल्सो ऑफन यूज इन स्पीच एज अ रेटोरिकल डिवाइस टू ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया। Examples of repetition, let it snow. Oh, woeful day. ये क्या है, repetition यानी किसी बात को बार बार दोहराना, तकरार करना, repeat करना, इसे repetition कहते हैं। इसके examples, and miles to go before I sleep. उसके अलावा if you can dream and not make dreams your master. If you can dream dreams, I want to show many small moons of light. Small, repeat हुआ है। Tautology, सनत तजनीस, मुतरादिफात मानवी तकरार। सनत तजनीस कहेंगे या मुतरादिफात मानवी तकरार कहेंगे। A tautology is an expression or phrase that says the same thing twice just in a different way. यानी एक ही बात को दो अलग तरीके से बयान करते हैं एक ही मिसरे में, उसे tautology कहते हैं। For this reason, a tautology is usually undesirable as it can make you sound wordier than you need to be and make you appear foolish. यानी एक ही अल्फाज को बेवजह बार बार इस्तेमाल किया जाते, एक ही किस्म के अल्फाज, एक ही माने वाले, तो उसे tautology कहेंगे। Example of tautology, my captain does not answer, his lips are pale and still.
अब यहाँ पेल एंड स्टिल, ये दो चीज़ यानी साकित और जामिद इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। माय कैप्टन डज नॉट कैंसर हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, ये ओ कैप्टन माय कैप्टन में से लिया गया है। वेयर ऑन द डेक माय कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, कोल्ड सर्द हो चुके यानी मर चुके, डेड यानी भी मर चुके। वी हैव नॉट विंग्स वी कैन नॉट सोर, विंग्स यानी उड़ना, पंख उड़ना, सोर यानी ऊपर उठना यानी उड़ना। बट वी हैव फीट टू स्केल एंड क्लाइंब, स्केल एंड क्लाइंब यानी ऊपर उठना यानी चढ़ना। अगला है इन्वर्जन, इन्वर्जन यानी उल्टा, तब्दीली अल्फाज, सनत तखलीब भी कहते हैं इसे। एज ए लिटरेरी डिवाइस इन्वर्जन रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ द सिंटैक्टिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, यानी इसमें अल्फाज को बेतरतीबी से आगे पीछे करके इस्तेमाल किया जाता है, इसे उल्टा, तब्दीली अल्फाज या सनत तखलीब जिसे इन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट्स सिंटैक्टिकली करेक्ट टू से यस्टरडे आई सॉ अ शिप, एन इन्वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस कुड बी यस्टरडे सॉ आई अ शिप और सो यस्टरडे अ शिप आई सॉ, यानी तीन तरीके से आपने इस्तेमाल किया गया है। अब इसी कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, अब यहाँ पर क्या है, आई थिंक आई नो बाद में इस्तेमाल किया गया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई थिंक आई नो हुज वुड्स दीज आर, डिसीजन्स आई मस्ट मेक, आई मस्ट मेक अ डिसीजन, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। टुडे अपॉन अ बस आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल अपॉन अ बस। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स, नुक्ता उरूज। क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सक्सेसिव वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस और सेंटेंसेस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस एज इन लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, इट्स अ सुपरमैन, यानी क्लाइमैक्स नुक्ता उरूज में क्या होता है, अल्फाज को इस तरतीब में रखा जाता है, फ्रेजेस सनतों को, क्लॉजेस फिक्रों को, कि उसमें पूरे पूरी वाक़े का इंदराज हो जाता है और आपके सामने वाज़े हो जाता है। ही केम ही सा ही कंकर्ड, यानी वो आया उसने देखा और वो जीत गया। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो डैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, अब यहाँ पर क्या है, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, वो रोशनी करना चाहता है, उसके आगे सो डैट माई फादर रिटर्न अर्ली, ताकि मेरे वाले जल्दी आ जाए, आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, यानी पूरा वाक़ा एक ही तरतीब में बयान कर दिया गया है। ये बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट में से लिया गया है। जॉइंट सर्व्ड रिटायर्ड और सैक्ड, यानी कि किसी शख्स की ज़िंदगी है, नौकरी को ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ काम किया, फिर रिटायर हुआ या फिर निकाल दिया गया, पूरी तरतीब को एक साथ बयान किया गया है। मेटोनाइमी सनत अलामत, मेटोनाइमी इज़ द यूज़ ऑफ ए लिंक टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट, समटाइम्स मेटोनाइमी इज चूजन बिकॉज इट इज़ अ वेल नोन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंसेप्ट, एग्जाम्पल इज़ द पेन इज माइटियर दैन द सोर्ड फ्रॉम एडवर्ड बुलियन लाइटन्स प्ले रिचेलो, अब इसमें क्या होता है कि किसी बात की तरफ, किसी इंसान की तरफ इशारा करने के बजाय एक अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, उसे मेटोनाइमी कहते हैं। जैसे कि पेन इज़ माइटियर दैन सोर्ड, यानी कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। दूसरा द स्कूल इज़ कमिंग आउट, अब स्कूल कहाँ से बाहर आएगा, स्कूल से बच्चे बाहर आएंगे, यानी स्कूल खाली हो रहा है, यानी यहाँ पर द स्कूल इज़ कमिंग आउट इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यू मस्ट स्पीक टू द चेयर, तुम्हें चेयर से बात करना पड़ेगा, कोई भला कोई चेयर से बात करता है, बल्कि चेयरमैन से बात करना, इस वास्ते यहाँ कहा गया यू मस्ट स्पीक टू द चेयर। आयरनी, आयरनी यानी सनत तंज व मजाह। आयरनी अकर्स व्हेन देयर इज़ अ मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड और बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटी, एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर आई टोल्ड वर्क एंड ऑल वीकेंड, ये वर्बल आयरनी है। अ ट्रैफिक कॉप गेट्स सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स, ऐसा भी कभी होता है कि एक ट्रैफिक का जो कॉप है यानी हवालदार है, वो पार्किंग टिकट नहीं दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया, क्या मजाक है। लुक द स्कॉलर इज कमिंग, अब कोई बेवकूफ़ आदमी आ रहा है जिसे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता और आप कह रहे हैं लुक द स्कॉलर इज कमिंग, देखो बड़े पढ़े लिखे सब साहब आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक किस्म का तंज होगा। योर फीट वर डांसिंग एलाइस, यानी एलिस से क्या कह रहे हैं, आपके पैर नाच रहे हैं, पैर कोई नाचते हैं, अरे इंसान नाचता है।
यू लुकड अ घोस्ट ओवर एन एंजेल। अब यहाँ पर अपोजिट कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया गया है, या तो आप भूत है या तो फिर फरिश्ते हैं, ताकि मज़ा लिया जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात।